मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ ही नहीं बल्कि कई बार गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भी जनता दरबार का आयोजन करते हैं। जनता दरबार लगने से जुड़े सभी फैसले खुद योगी लेते हैं, लेकिन इस जनता दरबार में एक बात हमेशा नजर आती है, वो ये कि जब भी सीएम किसी फरियादी से मिलते हैं तो उनके सुरक्षा कर्मी उस फरियादी के कंधे पर हाथ रखे रहते हैं। तो चलिए आपको इस कारण के साथ जनता दरबार और योगी की सुरक्षा से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को बताते हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में यूपी की जनता उनसे सीधा संवाद करती है और अपनी समस्याओं को बताती है। योगी के जनता दरबार में फरियादों के आने के कुछ नियम हैं और इस नियम के बाद एक विशेष बात ये है कि जब भी मुख्यमंत्री योगी किसी फरियादी के पास आते हैं तुरंत सुरक्षा कर्मी उस फरियादी के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। महिला फरियादियों के लिए महिला और पुरुष फरियादियों के कंधे पर हाथ रखने के लिए पुरुष सुरक्षा कर्मी होते हैं। योगी के जनता दरबार के लिए एक खास प्रोसेस होती है, यानी जनता कितनी संख्या में होगी और कैसे जनता यहां तक आ सकती है और जनता दरबार कहां और कब लगेगा इत्यादि। जनता दरबार में फरियादियों के लिए कुर्सियां लगाकर लाइन से लोगों को बैठाया जाता है। हर फरियादी के पीछे एक सुरक्षा कर्मी भी होता है। योगी की जेड प्लस सुरक्षा का एक स्तर बढ़ाते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें CISF कमांडो की टुकड़ी दी है। ये टुकड़ी उनके साथ हमेशा साये की तरह रहती है। इस CISF कमांडो की टुकड़ी में कम से कम 25 कमांडो होते हैं। ये टुकड़ी फरियादियों के कंधे पर योगी सुरक्षा के लिए हाथ रखती है ताकि कोई अनहोनी से बचा जा सके। जबकि योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बुजुर्ग एवं महिलाएं उनके पैर या उनके सामने हाथ न जोड़ें, इसके लिए सुरक्षा कर्मी कंधे पर हाथ रखते हैं। जबकि योगी का कहना था कि भारतीय संस्कृति में महिलाएं उनकी माँ समान होती हैं और वो उनके आगे हाथ जोड़ें या फिर पैर छुएं, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बता दें कि जनता दरबार किस दिन होगा और किस टाइम पर होगा, इसका फैसला पूरी तरह से योगी खुद ही करते हैं। दरबार में 50 से 100 लोगों को मुख्यमंत्री अपने घर बुलाते हैं। लोगों का सिलेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म से होता है। इस एप्लीकेशन को मुख्यमंत्री हाउस में बने ऑफिस में जमा करना होता है। इसके बाद यूपी भर से आई एप्लीकेशन से ये प्रायोरिटी के हिसाब से लोगों को कॉल करके जनता दरबार के लिए बुलाया जाता है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में मंथ के लास्ट बुधवार को जनता दरबार लगाते थे। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।